टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दो अलग अलग हादसों में करीब 8 लोगों की मौत और 24 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश के चलते गुरुवार को फोर्ट इलाके में भानुशाली नामक एक 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। लगातार हो रही बारिश से ये इमारत झेल नहीं पाई और गुरुवार शाम करीब 4:45 बजे के आसपास ये इमारत गिर गई। 12 घंटों से ज़्यादा समय बीत चुका है मगर अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और 24 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। भानुशाली इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है। NDRF, फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस के जवान अभी भी सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सके मलबे में कुछ और लोग दबे हों। वही दूसरी खबर मलाड की है, जहां गुरुवार को दोपहर में एक 2 मंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की खबर लगते ही पड़ोसियों ने राहत बचाव कार्य जारी कर दिया। मौके पर दमकल विभाग भी पहुंच गई और राहत बचाव कार्य में लग गई। हादसे में फैजल वाहिद 18 साल और अंजुम शेख 23 साल की मलबे में दबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि ये दोनों जगह जो हादसे हुए हैं, उन हादसों में जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। जो आप घर देख रहे हो, यहाँ पर एक लेडीज थी जिनके ऊपर दीवार गिर गई थी और 2-3 लोग थे, तो एक के हाथ पे चोट आई थी लड़के के और एक की अभी बताई जा रही कि डेथ हो चुकी है, अब कंफर्म नहीं है। और हम लोगों ने एक लेडीज को यहाँ से निकाल लिया था। अब ऊपर वाले घर पे से जो घर दीवार गिरी थी, तो वहाँ देखना है कि कौन है कौन नहीं, क्योंकि वहाँ पर अभी रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। तो अभी फायर ब्रिगेड वाले लोग आए हैं, हम लोग उनसे पहले थे यहाँ पर, वो लोग भी आए हमारी हेल्प।